एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज सर्किट ब्रेकर्स एंड आइसोलेटर्स। हम लोग अक्सर ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर्स के बारे में। तो ये सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? बेसिकली सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसका काम ये होता है कि जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट करंट पास हो रहा होता है ना, तो उस फॉल्ट करंट की वजह से हमारे, अगर वो फॉल्ट करंट हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स में से पास होगा तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, उनके लिए हैजर्डस हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। तो फॉल्ट करंट के नुकसान से बचाने के लिए ये हमारा सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। जब भी फॉल्ट करंट हमारे सिस्टम में से पास होता है तो ये सर्किट ब्रेकर हमारे सर्किट को ब्रेक कर देता है, ओपन कर देता है, और वो उस फॉल्ट करंट को आगे उसकी लिमिट कर देता है, उसके हैजर्ड को उसको आगे पास होने नहीं देता। तो ये सर्किट ब्रेकर का काम होता है। सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक हमारे पास मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज होते हैं और हमारे सिस्टम में से नॉर्मल करंट पास हो रहा होता है। जैसे ही फॉल्ट करंट आता है तो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, जब भी हम सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं ना, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है आर्क क्वेंचिंग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब हमारे सिस्टम में फॉल्ट करंट आता है और फॉल्ट करंट सर्किट ब्रेकर में से पास होता है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगा। ठीक है, टेक्निकली हम लोग ये कह रहे होते हैं कि वो स्विचिंग करवा रहा होता है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स, मूविंग कॉन्टैक्ट एंड द फिक्स कॉन्टैक्ट। तो फॉल्ट करंट आया और सर्किट ब्रेकर ने स्विच करवा दिया, तो जब वो स्विचिंग करवा रहा होता है ना, इन केस ऑफ फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट करंट के पास होते वक्त, उस वक्त क्या होता है कि हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट में और फिक्स कॉन्टैक्ट में सर्किट ब्रेकर के, उसमें एक आर्क स्टैब्लिश हो जाता है, एक आर्क फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इस आर्क को हमें रिड्यूस करना पड़ता है, इसको हमें क्वेंच करना पड़ता है। ऐसा क्यों? रीज़न इसका ये होता है कि ये आर्क बेसिकली एक कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट्स। अगर इसको हम, जब तक इस आर्क को रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक तो हमारा सर्किट ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसको हमें रिड्यूस करना होता है, इसको हमें क्वेंच करना होता है। और क्वेंच करने का तरीका ये होता है कि हम लोग ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं कि जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसे कूलिंग मीडियम यूज़ करें, ऐसे आर्किंग मीडियम यूज़ करें कि जिनकी कूलिंग ज़्यादा हो। कूलिंग से होता ये कि उनकी रेजिस्टेंस होती है ना आर्किंग पाथ की, वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो उस आर्क को जल्दी क्वेंच कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। तो आर्क को क्वेंच करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आर्क क्वेंचिंग है हमारे सर्किट ब्रेकर्स में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमारे पास जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, उसको हम लोग हाई ट्रांसमिशन सिस्टम्स में यूज़ करते हैं और एयर सर्किट ब्रेकर्स को यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? उसका ताल्लुक इसी से तो होता है कि हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की जो आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी होती है, या जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो तकरीबन 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर सर्किट ब्रेकर। तो वो आर्क को जल्दी रिड्यूस कर लेते हैं, क्वेंच कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग BCB को यूज़ कर रहे होते हैं हाई ट्रांसमिशन सिस्टम्स में, और ACB को यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक ऑनलोड डिवाइस है और एक ऑफलोड डिवाइस है, तो इसमें फ़र्क क्या होता है? ऑनलोड डिवाइस का मतलब ये होता है कि सर्किट ब्रेकर एक ऑनलोड डिवाइस है। ठीक है, ऑनलोड डिवाइस का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सिस्टम में फॉल्ट करंट आया और सर्किट ब्रेकर में से हमारा फॉल्ट करंट पास हो रहा है, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा कि वो स्विचिंग करवा देगा। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास कोई एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें से जब फॉल्ट करंट आए, जब फॉल्ट करंट पास हो, तो वो स्विचिंग करवाने की सलाहियत रखती हो, स्विचिंग करवाने की कैपेबिलिटी रखती हो अपने मूविंग कॉन्टैक्ट में और फिक्स कॉन्टैक्ट में, तो वो डिवाइस कहलाई जाती है कि वो ऑनलोड डिवाइस है। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग इटसेल्फ, मतलब वो फॉल्ट करंट को पास करवा रही है और स्विचिंग करवा देती है उसी वक्त, और अपने आप को डैमेज भी नहीं करती, तो वो हमारे पास कहलाई जाएगी ऑनलोड डिवाइस। ऑफलोड डिवाइस का मतलब ये होता है कि वो फॉल्ट करंट को तो पास कर रही है, लेकिन अगर वो उस वक्त स्विचिंग करवाएगी तो वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, इसको बताने का मकसद ये था कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर एक ऑनलोड डिवाइस है, वो अपने में से करंट को पास कर लेते हैं और स्विचिंग करवा देते हैं और अपने आप को डैमेज भी नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास आइसोलेटर्स जो है ना, वो एक ऑफलोड डिवाइस है। आइसोलेटर्स में से करंट तो पास हो जाएगा, फॉल्ट करंट, लेकिन अगर आप उसकी स्विचिंग करवाओगे ना उस वक्त, तो वो डैमेज हो सकते हैं, बल्कि हो जाएंगे लाजमी। तो इसीलिए जो है ना, ये ऑनलोड और ऑफलोड डिवाइस में फ़र्क होता है। सर्किट ब्रेकर एक ऑनलोड डिवाइस है, आइसोलेटर एक ऑफलोड डिवाइस है। आइसोलेटर्स का काम ये होता है कि हमारे सिस्टम को सेपरेट करना फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिजिकली सेपरेट करना फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई, ये आइसोलेटर्स का हमारे पास काम होता है। कभी भी आइसोलेटर्स जो है ना, वो सर्किट ब्रेकर से पहले ओपन नहीं किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि
सर्किट ब्रेकर एक ऑन लोड डिवाइस है और आइसोलेटर एक ऑफ लोड डिवाइस है। अगर आइसोलेटर को पहले ओपन करेंगे सर्किट ब्रेकर से तो आइसोलेटर डैमेज हो जाएगा, तो कभी भी आइसोलेटर को सर्किट ब्रेकर से पहले ओपन नहीं करते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कह रहे होते हैं कि ये ओवर करंट और ओवर लोडिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ओवर करंट का सिंपल मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, और यानी कि ये वो करंट होता है जो कि हमारे नॉर्मल रेटेड करंट से 5 to 10 times ज़्यादा होता है, और ओवरलोडिंग ओवर करंट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट। लेकिन जब भी हम ओवर लोडिंग की बात करते हैं ना, तो ओवरलोडिंग कब होती है कि जब हमारे सिस्टम में जो नंबर ऑफ लोड्स कनेक्टेड हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब लोड्स जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं वो सिस्टम में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो लोड करंट अल्टीमेटली हमारे सिस्टम में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा जो करंट होता है ना, वो नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है कि हमारे रेटेड करंट से थोड़ा सा ऊपर जाता है, इतना ऊपर नहीं जाता कि वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाया जाए। शॉर्ट सर्किट करंट इज़ 5 to 10 times अबव देन द रेटेड करंट, वेयर एज द ओवरलोडिंग करंट, ओवरलोडिंग की वजह से जो नॉर्मली जो करंट होता है ना, वो रेटेड से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, इतना नहीं होता कि वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाया जाए। हो भी सकता है कि ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट करंट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज़्यादा हमने लोड कनेक्ट कर दिए कि उसकी वजह से ओवरलोडिंग की वजह से ओवर करंट हो गया। लेकिन टेक्निकली जब भी हम लोग और नॉर्मली जब भी हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट, और जब भी हम ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट ओवर हीटिंग। क्योंकि जब हमने लोड्स कनेक्ट करे, उन्होंने करंट को ड्रॉ करा, करंट बढ़ गया, करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो ओवर प्रोटेक्शन ओवर लोडिंग इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर हीटिंग। याद रहे कि ओवर लोडिंग की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ओवर करंट कॉज हो जाए, लेकिन नॉर्मली इतना हो नहीं रहा होता। इसको बताने का मकसद ये था कि हमारे पास दो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं, फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स। इन दोनों में फ़र्क ही ये होता है कि सर्किट ब्रेकर हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवर करंट दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि हमारे पास जो फ्यूजेस होते हैं ना, वो सिर्फ ओवरलोडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें से ओवर करंट पास होगा ना, तो वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ओवर करंट को पास ही नहीं करवा सकते, वो सिर्फ ओवरलोडिंग को करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताने का इसका एक मकसद था, ओवरलोडिंग और ओवर करंट का, कि हमारे सर्किट ब्रेकर्स ओवरलोडिंग और ओवर करंट दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और फ्यूजेस से वो सिर्फ ओवरलोडिंग के अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अभी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे होते हैं सर्किट ब्रेकर में कि इसकी स्विचिंग कैपेसिटी इतनी है। स्विचिंग कैपेसिटी क्या होता है? स्विचिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम करंट होता है जो कि सर्किट ब्रेकर में से पास हो सकता है विदाउट डैमेजिंग द सर्किट ब्रेकर, तो वो कहलाया जाता है हमारे पास स्विचिंग कैपेसिटी। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर्स हो गया। SF6 सर्किट ब्रेकर्स ना, ये बड़े ख़ास तरह के सर्किट ब्रेकर्स हैं। इनमें हम एक गैस यूज़ कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, SF6 सर्किट ब्रेकर्स। इनकी जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो तकरीबन तकरीबन कहा यह जाता है कि 100 times होती है एज़ कम्पेयर टू एयर सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा हाई EHT जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ पे यूज़ किए जा रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी वोल्टेज तकरीबन किलो वोल्ट्स में जा रही होती है, 220-500 किलो वोल्ट्स में, तो वहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली जो हम प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं मोटर्स वगैरह की, ट्रांसफॉर्मर्स की, उसमें हम जो यूज़ कर रहे होते हैं सर्किट ब्रेकर, वो एयर सर्किट ब्रेकर होता है जो कि अप टू 15 kV यूज़ किया जा सकता है। जबकि हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ये हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज के ऊपर लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 33 kV एंड अबव, और SF6 सर्किट ब्रेकर्स जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस में यूज़ किए जा रहे होते हैं। हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, और बस यही था। थैंक यू।